खबर है पानीपत की। आपको बता दें कि सुबह सब्जी मंडी जा रहे पिता पुत्र पर बाइक सवार चचेरे भाइयों ने हमला कर दिया। जमीन पर गिराकर बदमाश दोनों पर डंडे से वार करते रहे। धार धार हथियार से पैर पर वार किया, जिससे जेब में रखा मोबाइल भी कट गया। मॉर्निंग वॉक के लिए निकली युवती ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने युवती की एक बात नहीं सुनी और वार करते रहे। इसके बाद युवती ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनानी शुरू कर दी। आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हुए तो बदमाश धमकी देकर वहां से भाग निकले। इसके बाद घटना की सूचना डायल 112 को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता पुत्र को सिविल अस्पताल ले आया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। हम अपना घर से आ रहे थे जी। जो ब्रेकेडी का रास्ता आगे ब्रेकेडी से 24 सेक्टर की तरफ आते ही साथ जी वहां पे अस्पताल है जी। उसके सामने पहले तो छोरे वार करया जी। छोरा पदीने की गठरी लेर था मोटरसाइकिल पर जी, और पीछे में था जी। पहले छोरे के पास वार करया, अब इन्हें क्यों मार रहे हो जी? फिर मैं पकड़ लिया जी। मैं हेलमेट उठ रहा था, पहले तो हेलमेट पर हथियार से वार करे जी। क्या था जेती अर्जुन के पास क्या थे? उनमें बारी थी सरिया की। सरिया? हाँ, लंबे लंबे सरिये थे जी, मोटे मोटे जी, बारी और गंडासी थी। गंडासी जी। हाँ, यानी पूरी मारन की प्लानिंग था जी वो तो। हाँ जी जी, ये तो 8-10 आदमी थे जी जी। 5-6 नंबर पर वार करे, बाकी खोखे पीछे लुक रहे थे, खोखे पीछे से लिख रहे जी। हाँ जी, पूरी बिल्कुल मर्डर की प्लानिंग करके आए थे। हाँ जी, वो तो छोरे ने मारा थे। अच्छा, मनो हाथ पाँच और कमा जी, छोरे ने छोड़ दो, मैंने मार लो जी। मरना तो फिर भी छोरे का मार गए थे, गंडा सी मार रखी आप इस पे पैर पे छोरे का पैर मार रखी। घायल क्रांति कुमार ने बताया कि वो निमरी गांव का रहने वाला है। वो गांव में ही अपनी जमीन पर सब्जी उगाता है। इन सब्जियों को बेचने के लिए रोजाना सुबह सब्जी मंडी जाता है। इसी सिलसिले में वो आज सुबह करीब 5:30 बजे अपने 14 साल के बेटे हर्ष के साथ बाइक पर मंडी जा रहा था। जब वो सेक्टर 24 के मोड़ पर पहुंचा तो वहां अचानक उसके सिर पर पहले हेलमेट पर किसी ने डंडा मारा, जिससे वो नियंत्रण खो बैठा और बाइक स्लिप होकर नीचे गिर गई। अचानक वहां पर उसके ताऊ के बेटे पहुंच गए और तीनों ने ही लाठी डंडों धार धार हथियारों से उस पर हमला कर दिया। नीचे गिरने के बाद भी उस पर हमला किया गया। हमले के दौरान बेटे हर्ष ने भी आरोपियों से संघर्ष करना चाहा। बीच बचाव करते हुए आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। दोनों भाई बेटा जी, उन्होंने तो रास्ते में प्लानिंग बना रखी थी। तीनों भाई सारे के सारे थे, हेलमेट सारे को आंखें डबिड़ा, सारा कुछ लोगों ने छटवाए जी। जो इसके जेब में था जी 15-20 हज़ार रुपये, जो सब्जी मंडी में जो हम काम करते हैं वो भी काट कर ले गए। जो कागजात हैं बटुआ सटुआ सब ले गए जी। जी अपनी तरफ तो इसको अच्छी तरह मार कर गए, ये तो पब्लिक नहीं बचाया। इनके पास कट्टा तो ये पहले भी रखते थे जी गांव में, और पहले बदमाशी इसको कई केस पहले भी हैं, पहले भी कर चुके हैं जी गांव में भी है। केस है जी जी, एक नहीं है पहले भी इसको, यानी बिल्कुल खुले घूम रहे हैं। तो सारी चीजें लगे फिर भी खुले घूम रहे हैं, पकड़ने वाला नहीं है कोई, पकड़ने आज से नहीं जी। पहले भी वहां हमारे को पहले भी रिकॉर्डिंग हमारे पे जी, मेरा हाथ तोड़ गए थे, घरवाली की गंडासी मार के थे, ये दोनों भाई थे जी। क्रांति ने बताया कि विवाद आधा बीघा जमीन का है। ये जमीन उनकी माँ फूली देवी के नाम पर है, माँ उसके साथ रहती है। इसी जमीन पर ताऊ के बेटे कई बार झगड़ा कर चुके हैं, कई बार पुलिस को भी शिकायत दी गई, लेकिन हर बार आरोपित पंचायती व पारिवारिक तौर पर समझौता कर लेते हैं। फिलहाल जो है सारे मामले में पुलिस द्वारा भी जाँच की जा रही है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वैसे पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।